अस्सलाम वालेकुम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? वो पॉइंट जिस पर पूरी ग्रेविटी का असर हो। ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी जो बॉडी होती है उस बॉडी पर ग्रेविटी अमल करती है, ऐसा नहीं। हमारे पास है, अगर हम देखें तो ये डस्टर, इस डस्टर को ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। दरअसल इस डस्टर को मुकम्मल ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं करती। दरअसल क्या है कि अगर हम देखें, इसको छोड़ें तो ये नीचे चला जाएगा। हम ये कहेंगे कि जमीन की ग्रेविटी कशिशे सकल, इसको उसकी वजह से, ये जमीन की कशिशे सकल की वजह से ये नीचे आ रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस डस्टर पर फोर्स अमल हो रही है। यहां पर हम ये जान ये देखें, हमें यहां पर पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा डस्टर है ना, इस डस्टर पर ग्रेविटी नहीं अट्रैक्ट होती। मतलब ग्रेविटी या वेट, क्योंकि वेट का फार्मूला भी आपको पता है, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स इक्वेशन इज अ मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। मतलब ये जो वेट है इसका, ये जो ग्रेविटी है जो इसको फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी के फोर्स को कहते हैं वेट। अगर ये इसके वेट को देखें तो वेट इस मुकम्मल बॉडी को एक्ट नहीं कर रहा। ये जो वेट है इसको हम ऐसे देख जानेंगे कि इस अगर फोर्स ग्रेविटी का इस पूरी की पूरी बॉडी पर अमल हो रहा है, तो अगर हम इसको यहां इस जगह पर खड़ा करते हैं, यहां पर देखें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा खाली बचता है। मतलब ये कि इस जगह पर फोर्स लगाने, सिर्फ इस जगह पर फोर्स लगाने पर आप इसको यहीं पर रोक सकते हैं। मतलब ये कि ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा ग्रेविटी नहीं अट्रैक्ट करती, ग्रेविटी मुकम्मल बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करती, बीच वाले पोर्शन को अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम और इसको यहां पर खड़ा कर दें, अब क्या कहेंगे आप कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फिजूल हो गया, बीच वाला ही हिस्सा ऐसा रह गया है जिसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। मतलब ये कि जो मुकम्मल बॉडी है, ग्रेविटी मुकम्मल बॉडी को अट्रैक्ट करने की बजाय कोई बॉडी की एक मखसूस पॉइंट को चुनती है, उस पॉइंट को अट्रैक्ट करती है। अगर हम यहां पर इसको फोर्स लगाएं तो हमें पता चलेगा कि ये डस्टर इसी जगह पर खड़ा हो गया। मतलब ये कि ये वाली पॉइंट है वो पॉइंट है जिस पर पूरी ग्रेविटी अमल कर रही है। सो दिस इज द पॉइंट एट व्हिच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट। सो कोई भी बॉडी हो उसको मुकम्मल ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं करती, उस बॉडी की एक मखसूस पॉइंट होती है जिसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी द पॉइंट एट व्हिच वेंचर वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट। ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो जो पॉइंट होगी वो पॉइंट बॉडी के अंदर होगी, कभी कभी ऐसा होगा कि वो पॉइंट बॉडी के बाहर भी होगी। मैं आगे चल के आपको मिसाल दूंगा इनके। यहां पर देखें, अगर मैं आपको कहूं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोई ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर एक प्लेट है, अब बताएं कि रेक्टेंगुलर प्लेट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो पॉइंट रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल प्लेट के अंदर जिसको जमीन खींचती है, अट्रैक्ट करती है, वो कहां पर होगी? मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन बताएं। तो आप क्या करेंगे, पहले पहले आप ऐसा करें कि इससे कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक सीधी लाइन खींचें। ये सीधी सी लाइन खींच दी हमने, इस लाइन को कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर की जो लाइन होती है रेक्टेंगल के अंदर, उसको कहा जाता है डायगोनल। ये एक डायगोनल हमने निकाल दिया और दूसरा डायगोनल ये रहा, सिर्फ इसमें दो डायगोनल्स रहेंगे। इन दोनों डायगोनल्स के बीच वाली पॉइंट, इंटरसेक्टेड पॉइंट, ये जो जिस पॉइंट पर आपस में क्रॉस होते हैं, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो पॉइंट जिस पर ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों के दोनों एक्ट कर रहे हैं, मीट मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो द पॉइंट एट व्हिच ऑल डायगोनल्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द रेक्टेंगुलर शेप। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप। अच्छा, अगर हमारे पास एक सर्किल हो तो सर्किल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? तो आप
आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल डायमीटर ले आए और एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर ले आए, तो ये दोनों डायमीटर्स जिस पॉइंट पर मीट करें, इंटरसेक्ट करें, तो डायमीटर्स की मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, रेक्टेंगल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं कि बीच में मटेरियल हो, ये पूरा का पूरा यहां पर एक रॉड है वुड की, यहां पर रॉड की वुड है, रॉड की वुड की रॉड है, यहां पर एक वुड की रॉड है, यहां पर वुड की रॉड है, यहां पर ये पूरा का पूरा साइड से भरा हुआ है, बीच में कुछ नहीं है, फिर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर देयर इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी देयर शुड बी मटीरियल, नो इट इज नॉट नेसेसरी। सो कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटीरियल के बाहर होगी, शेप के अंदर है पर मटीरियल तो साइड में है, बीच में भरा हुआ हो या नहीं हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये रहेगी। हम देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें भी बीच में है, यहाँ शेप के बीच में है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉर्नर टू अपोजिट साइड एक हम लाइन खींचते हैं, इस लाइन को कहते हैं मीडियम, और इट्स अपोजिट इस कॉर्नर से अपोजिट साइड पर एक लाइन फिर से खींचे और इस कॉर्नर से अपोजिट साइड पर एक लाइन को खींचे, एक ऐसी पॉइंट मिलेगी आपको जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारे पास ट्रायंगल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मालूम करना का तरीका है। यहां पर देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हिसाब से देखें तो हमें पता है कि ये जो बंजारे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और मेला वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, वहां पर जाकर वो दिखाते हैं। यहाँ पर लकड़े होते हैं, यहाँ पर भी दूर किसी 5 या 6 मीटर दूर लकड़े होते हैं, इन दोनों लकड़ों के बीच में यहाँ पर 3 लकड़े जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, यहाँ पर भी 3-4 लकड़े जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, और इस लकड़ों की टॉप मोस्ट पॉइंट और उन लकड़ों की टॉप मोस्ट पॉइंट को बीच में जोड़ा जाता है विथ हेल्प ऑफ अ रोप। सो बीच में एक रस्सी होती है, उस रस्सी की मदद से इन दोनों को बांधा जाता है, फिर इस रस्सी में क्या होता है कि कोई आदमी खड़ा होकर उस रस्सी को पार करता है और उसके पास एक रॉड भी होती है बहुत लंबी, तो वो जाता है, रोप देखते हैं कि भाई एक तो रस्सी पर चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बल्कि एक डिफिकल्ट काम भी कर रहा है, उसके हाथ में एक दूसरी रॉड है जिस रॉड को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दरअसल वो क्या करता है, वो रॉड इसीलिए लेता है ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर सके, मतलब ये उस रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सामने होता है। अगर वो चलता जाए देखे कि मैं यहां गिरने वाला हूं तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो यहां कर लेगा, तो ऐसा क्या होगा, वो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां हो जाएगी तो यहां वाली अट्रैक्शन उस पर कम हो जाएगी, फिर अगर जाते जाते यहां पर चला जाए मींस यहां पर गिरने को लगे तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा यहां कर देगा, फिर से बच जाएगा, और ऐसा ऐसा करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसानी हासिल करता है। यहां पर देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो वाली पॉइंट होती है जिस पॉइंट पर पूरे बॉडी का वेट अमल करता है। एक दूसरी पॉइंट यहां पर हम देखें, ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इररेगुलर शेप्स का, इररेगुलर शेप्स, और वो जो मैंने शेप्स आपको दिखाई हैं उन शेप्स को कहते हैं रेगुलर शेप्स। ये रहे रेगुलर शेप्स, रेगुलर शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनकी एरिया डायरेक्टली मेजर की जाती है, और इररेगुलर शेप्स वो शेप्स होते हैं जिनकी डायरेक्ट एरिया मेजर नहीं की जा सकती। जैसा कि ये एक शेप है, ये हमारे पास एक इररेगुलर शेप है। अब हम देखें तो अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पूछा जाए तो कहां है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस जगह से, इस पूरी बॉडी को इस जगह से एक नेल के जरिए, कील के जरिए इसको टांगेंगे, तो हम ये जब हैंग होगा तो इस पॉइंट से हम इसको हैंग करेंगे। जैसा कि मैं आपको कहूं कि ये हमारे पास एक डस्टर है, इसको मैं यहां से पकड़ता हूं, जैसे मैं इसको यहां से पकड़ूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा अपने आप टेढ़ा हो गया, क्यों,
इसलिए अपने आप टेढ़ा हो गया, क्योंकि इसको जो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है वो वर्टिकल है। अब क्या होगा, इसको आप टेढ़ा तो देख रहे हैं कि ये अपने आप टेढ़ा हो गया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम इसको यहां से एक लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं लाइन को नाम जो है वो मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर देखें इस लाइन को अशा इस लाइन को डायगोनल कहेंगे। यहाँ पर देखें ये जो लाइन है हमने खींची, और इसी तरह से यहां पर भी आप इसको पकड़ें और छोड़ें, देखें तो ये फिर से टेढ़ा हो जाएगा। अब यहां पर देखें ये वाली लाइन खींचें तो यहां पर एक पॉइंट फिर से मिलेगी जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। सो ये वाली पॉइंट अगर आप यहां पर इसको रोकें तो ये रुक जाएगा यहां पर, मतलब ये वाली पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहां पर देखें तो ये हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कांसेप्ट। यहां पर भी आप इसको हैंग करें, एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, फर्ज कर ले ये है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सी, यहां पर इसको हैंग कर लें, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डी पॉइंट, और एक वर्टिकल लाइन मिलेगी यहां पर बी पॉइंट, यहां पर एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगी, वही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। जो शेप्स इररेगुलर हो उनको कुछ पॉइंट से बांधें और हैंग करें, लटकाएं, तो जब उनको आप लटकाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जब लटकेंगे तो उस वक्त वो इस तरह से लटकेंगे कि एक वर्टिकल लाइन खींचने के काबिल लाइन बनेगी, और वो लाइन आप पेन से बना लें, फिर वो चार पांच ऐसे तरीके से लाइंस बनाएं जो पॉइंट मिले जिसमें सारी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थैंक यू सो मच।